जब छपी माँ के साथ इस एक्टर के अफेयर की खबरें, तीन बार हो चुका अटैक। महेश और मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स को हाल ही में 30 साल पूरे हो गए। ये कंपनी मुकेश भट्ट के बेटे विशेष के नाम पर है। इस मौके पर एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल भी पहुंची। आशिकी को विशेष फिल्म्स के बैनर तले साल 1990 में बनाया गया। इसी फिल्म के हीरो राहुल राय के साथ उस वक्त एक अजीब वाकया हुआ, जब मीडिया ने उनके साथ उनकी मां के अफेयर की खबरें छा दी थी। दैनिक भास्कर काम से बातचीत में राहुल राय ने बताया था कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ होटल ताज में पार्टी करने गया था। वहाँ मेरी माँ भी पहुँची थी। मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी, वे भी अपने दोस्तों संग वहाँ पहुँच गई। उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि आओ हम साथ में डांस करते हैं। अगले दिन एक अखबार में ये खबर बन गई। अखबार में ये लिखा था कि राहुल राय एक उम्रदराज महिला के साथ डांस करते नजर आए। राहुल ने कहा कि मुझे ये लगा कि कम से कम लोगों को एक बार पूछ तो लेना चाहिए कि वे महिला आखिर थी कौन। गॉसिप की वजह से हो चुका तीन बार अटैक। राहुल राय के मुताबिक, गॉसिप की वजह से मुझ पर तीन बार अटैक हो चुका है। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया जा चुका है। राहुल ने बताया कि मैं एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल से इलाज करवाकर घर पहुंचता तो पता चलता कि फोन पर लोग मेरे मरने की बातें करते। राहुल कहते हैं कि इन सब के पीछे की वजह एक्ट्रेस से इसके साथ गॉसिप की खबरें हुआ करती थीं। शाहरुख खान मेरे बैचमेट थे। राहुल अपने स्कूल के दिनों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं दिल्ली के कोलंबस स्कूल से पढ़ा हूँ। शाहरुख खान भी मेरे बैचमेट थे। बाद में माँ पिताजी के तलाक के बाद मैं शिमला के बोर्डिंग स्कूल में चला गया। स्कॉटलैंड से पढ़ने का ऑफर मिला था। राहुल के मुताबिक, स्कूल खत्म होते ही मुझे स्कॉटलैंड से पढ़ाने का ऑफर मिला था, लेकिन मैं वहां न जाकर कनाडा चला गया अपने भाई के साथ। इसके बाद वापस आया तो दिल्ली के भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान मॉडलिंग की और फिर हीरो बन गया। राहुल को ऐसे मिली आशिकी। राहुल के मुताबिक, मेरी माँ यूनिसेफ के लिए काम करती थी और आर्टिकल लिखती थी। आर्टिकल पढ़ने के बाद जब महेश भट्ट उनसे मिलने पहुँचे तो मेरी फोटोज पर उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने मेरी माँ से मेरे बारे में पूछा। मैंने बाद में महेश भट्ट को फोन किया तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और आशिकी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। हालांकि उन्होंने एक्टिंग सीखने की नसीहत भी दी। मैं उनकी सलाह पर रोशन तनेजा के यहाँ एक्टिंग सीखने जाने लगा, लेकिन ये भी कहा कि मैं काम करते हुए एक्टिंग सीखना चाहता हूँ। डाडी फिल्म की शूटिंग पर मैं मुकेश और महेश भट्ट के साथ रहता था। इस तरह मुझे पहली फिल्म मिली। जब 21 प्रोड्यूसरों के पैसे लौट आए, आशिकी 6 माह तक हाउसफुल चलती रही, लेकिन इसका फायदा मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा था। मैं परेशान होकर महेश भट्ट के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं अभी तुम्हें, वे ये जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें कैसे प्रेजेंट किया जाए। हुआ भी ऐसा ही। 6 माह बाद मेरे पास लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे। महज 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर ली। एक दिन में 3-3 फिल्मों की शूटिंग करता था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सी फिल्में साइन कर ली, लेकिन एक साथ करना काफी मुश्किल है। इसके बाद मैंने 21 प्रोड्यूसरों के पैसे वापस कर दिए। बिग बॉस सीजन 1 के विनर रहे। राहुल राय 2007 में बिग बॉस सीजन 1 के विनर रहे। राहुल सी ग्रेट फिल्म हर स्टोरी में भी काम कर चुके हैं। राहुल ने इससे पहले कई बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। इनमें सपने साजन के, पहला नशा, गुमराह, भूकंप, हंसते खेलते, नसीब, अचानक फिर कभी, नॉटी बॉय और क्राइम पार्टनर जैसी फिल्मों में काम किया है। आखिरी बार इस फिल्म में दिखे राहुल। राहुल राय को आखिरी बार 2015 में आई फिल्म दो बी और नॉट टू बी में देखा गया था। इससे पहले वो 2010 में आई शॉर्ट फिल्म अदा डॉलर वे ऑफ लाइफ में नजर आए थे। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट। We'll be right back.